नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये है डिजिटल मीटर के कपलर और काफ़ी ज़्यादा वायर इसमें लगा हुआ है दोस्तों, ठीक है। ये है अपाची 160 cc का, ये अपाची मोटरसाइकिल का डिजिटल मीटर का ये कपलर है और देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा वायर लगा हुआ है दोस्तों। तो चलिए एक एक वायर के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं दोस्तों। हम एकदम यानी कि एकदम सही जानकारी देंगे और आपको एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा, यानी कि प्रॉपर यानी कि हम जानकारी आपको देने वाले हैं एकदम सही। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक लाइक करिए और एक शेयर करिए, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए ना देरी करते हुए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं, और दोस्तों हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो दोस्तों इसमें देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 यानी कि 13 वायर डिजिटल मीटर में जाता है। और कौन कौन वायर क्या क्या काम करता है डिजिटल मीटर में, हम आपको एकदम यानी कि क्लियर आज हम कर देंगे और आपको एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों ये वायर कहाँ से आया है और डिजिटल मीटर में क्या काम करता है दोस्तों, हम आपको प्रॉपर जानकारी देने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो भाई का सपोर्ट करिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम एक एक तार के हम आपको यानी कि डिटेल में हम आपको समझाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले ये वाला वायर देख सकते हैं दोस्तों, वीडियो एकदम ध्यान लगा के देखना। अगर आपको वायरिंग में स्पर्ट बनना है, एकदम टैलेंट बनना है वायरिंग में, तो वीडियो एकदम ध्यान लगा के देखना और समझने की कोशिश करना दोस्तों, ठीक है। एकदम ध्यान लगा के देखना और समझने का कोशिश करना। अगर एक बार में आपको समझ नहीं आ रहा है तो दो बार वीडियो को देखना, तीन बार देखना, ठीक है। लेकिन एकदम दिमाग में सेट करना और सीख ही लेना दोस्तों, ठीक है। तो अभी आप जाके वायरिंग में यानी कि प्रॉपर यानी कि काम कर सकते हैं, कहीं भी फॉल्ट अगर आपको यानी कि आए गैरेज में तो इजीली आप निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए हम हर वीडियो में हम आपको यानी कि कहता हूँ कि वीडियो आप एकदम ध्यान से देखना, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों ये वायर आप देख सकते हैं जो पूरा लाल कलर का वायर है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो वायर है ना दोस्तों, ये डिजिटल मीटर में आता है, जो हमारा टाइम दिखाता है डिजिटल मीटर में, अपाची मोटरसाइकिल में टाइम दिखाता है दोस्तों, टाइम वगैरह सब दिखाता है, उसी के लिए ये वायर आता है। ये डायरेक्ट बैटरी से आता है, ये इग्निशन स्विच से कोई लेना देना नहीं है, या इग्निशन स्विच ऑन हो या ऑफ हो, ये 24 घंटा ही डिजिटल मीटर में लाइन आता रहता है दोस्तों, बैटरी से डायरेक्ट ये आता है, पूरा लाल कलर का वायर दोस्तों देख सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये दूसरा नंबर में दोस्तों आप देख सकते हैं जो हरा पे पीला लाइन बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। ये जो वायर है ना दोस्तों, ये आता है डिजिटल मीटर में पेट्रोल कितना है दिखाने के लिए, ये सिग्नल आता है। ये जो वायर है ना दोस्तों, पीला पे काला लाइन बना हुआ है, देख सकते हैं। ये वायर है ना दोस्तों, ये है किलोमीटर के सेंसर के वायर है, देख सकते हैं। ये किलोमीटर सेंसर के वायर आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। जो हमारे किलोमीटर यानी कि अगाड़ी लगा रहता है अगाड़ी के चक्का में, देख सकते हैं, ये उसी के एक वायर देख सकते हैं जो पीला पिक काला लाइन बना हुआ है, और ये सेंसर का ही वायर है, तीन वायर देख सकते हैं। तो एक वायर यहाँ से डायरेक्ट हमारा डिजिटल मीटर में आता है, जो अभी यानी कि किलोमीटर दिखाता है ना, कितना किलोमीटर पर हमारे बाइक यानी कि रनिंग कर रहा है, ठीक है। ये उसी के वायर है दोस्तों, ठीक है। तो ये तीन वायर हो गया दोस्तों। अब ये देख सकते हैं, ये चार नंबर में जो यहाँ देख सकते हैं, ये सिलेटी कलर के वायर आप दोस्तों ये देख सकते हैं। तो ये जो वायर है ना दोस्तों, जैसे ही हम हेडलाइट को स्विच के एक स्टेप हम ऑन करते हैं, तो हमारे अगाड़ी के पार्किंग लाइट बल जाता है और पछाड़ी के बैक लाइट बल जाता है, और हमारे डिजिटल मीटर में लाइन भी आ जाता है, यानी कि डिजिटल मीटर भी हमारा यानी कि बनने लगता है। ये उसी के ही वायर है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों ये देख सकते हैं, ये वायर, ये पाँच नंबर में वायर देख सकते हैं, जो बैगनी कलर के वायर है दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये भंटैया कलर का ये वायर। तो ये वायर जो है ना दोस्तों, ये है इंडिकेटर का, जो एक साइड के हमारे इंडिकेटर जो हम लोग बालते हैं, तो हमारे डिजिटल मीटर में एक ब्लिंक यानी कि करता है, ठीक है। और यानी कि हमको पता चलता है कि हमारा इंडिकेटर बल रहा है दोस्तों, ठीक है। ये यानी कि डिजिटल मीटर में एक यानी कि इंडिकेटर जैसे ही हम बालते हैं, तो हमारे यानी कि डिजिटल मीटर में यानी कि एक साइन दिखाता है, यानी कि शो करने लगता है डिजिटल मीटर में, ये इंडिकेटर का ये वायर आप यानी कि कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों एक ये वायर दोस्तों आप देख सकते हैं, जो पूरा के पूरा पीला कलर के वायर दोस्तों देख सकते हैं। तो ये वायर जो है ना दोस्तों, ये वायर है
पासिंग का, ठीक है। जैसे ही हम पास लाइट बालते हैं तो हमारे डिजिटल मीटर में एक साइन देखने को मिलता है, ठीक है। ये उसी के ही वायर, यानी कि ये उसी के ये काम के लिए वायर दी गई है, ये डिजिटल मीटर में आता है। जो हम पास लाइट बालते हैं तो एक साइन बताता है डिजिटल मीटर में, और दोस्तों जैसे ही हाई बीम हम हेडलाइट बालते हैं तो वो भी वही काम करता है, जो यानी कि उससे हमको पता ये चलता है कि यानी हमारे हेडलाइट अभी हाई बीम पे बल रहा है, एक सिंबल दिखाता है यानी कि साइन दिखाता है डिजिटल मीटर में। ये उसी के यानी कि तौर पे ये वायर काम करता है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों एक ये वायर देख सकते हैं, जो पूरा के पूरा नीला कलर के वायर आप देख सकते हैं, तो ये वायर जो है ना दोस्तों, ये वायर है दोस्तों हमारे न्यूट्रल लाइट का। जैसे ही हम न्यूट्रल यानी कि न्यूट्रल को मोटरसाइकिल में खड़ा करते हैं तो हमारे न्यूट्रल लाइट एक यानी कि देखने को मिलता है हमारे डिजिटल मीटर में दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों एक ये वायर देख सकते हैं जो नीला पे यहाँ लाल लाइन बना हुआ है दोस्तों। तो ये जो दोस्तों है ना CDI से एक वायर आता है हमारे डिजिटल मीटर में कि हमारा बाइक अभी कितना RPM पे चल रहा है। ये RPM जैसे हम एक्सीलेटर लेते हैं ना, तो RPM 5000, 1500 से 2000 जो दिखाता है ना, ये उसी के वायर है। और ये वायर वही काम करता है कि अभी कितना RPM पे हमारा बाइक चल रहा है, ये वही यानी कि शो करता है। ये उसी के तौर पर वायर काम करता है दोस्तों, ठीक है। और एक ये वायर देख सकते हैं जो ये वायर है यानी कि हरा, यानी कि डार्क हरा कलर का वायर देख सकते हैं, जो हरा नहीं है यानी कि बहुत यानी कि धीमी हरा ये देख सकते हैं। तो ये जो वायर है ना दोस्तों, ये है यानी कि ये भी इंडिकेटर का ही वायर है दोस्तों। और दोस्तों एक हो गया लेफ्ट साइड का और एक हो गया दोस्तों राइट साइड का, ठीक है। ये दोनों यानी कि जैसे ही हम इंडिकेटर बालते हैं तो हमारे डिजिटल मीटर में एक सिंबल देखने को मिलता है दोस्तों। तो एक हो गया राइट साइड का इंडिकेटर का और एक हो गया लेफ्ट साइड का इंडिकेटर का, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये देख सकता है जो काला पे उजला लाइन बना हुआ है दोस्तों, तो ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों, TVS कंपनी के जितना भी मोटरसाइकिल है तो ये बॉडी अर्थिंग के तौर पर काम करता है, जो काला पे उजला लाइन बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों एक ये वायर देख सकते हैं जो यानी कि नीला पे हरा लाइन बना हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं नीला है और हरा भी है, ठीक है। तो ये वायर जो है ना दोस्तों, ये भी आता है हमारे गाड़ी के किलोमीटर जो चलाने का सेंसर एक वायर लगा रहता है गाड़ी, ये देख सकते हैं ये उसी के ही वायर है दोस्तों। और एक यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं जो हरा है और देख सकते हैं यहाँ नीला है, ठीक है। ये उसी के ही जैक है, तीन वायर सेंसर में रहता है जो हमारे किलोमीटर यानी कि ये चलता है वही सेंसर से देख सकते हैं। और यही वायर हमारे यहाँ डिजिटल मीटर के कपलर में भी आया है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों एक ये वायर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो काला पे उजला लाइन बना हुआ है दोस्तों, तो ये भी बॉडी अर्थिंग आया है डिजिटल मीटर में, देख सकते हैं। एक ये बॉडी अर्थिंग आया है और एक यहाँ भी बॉडी अर्थिंग आया है दोस्तों, ठीक है। यानी कि दो बॉडी अर्थिंग यानी कि डिजिटल मीटर में जा रहा है, डिजिटल मीटर के कपलर में दो बॉडी अर्थिंग आप देख सकते हैं, यानी कि दोनों ही डिजिटल मीटर में जा रहा है, ठीक है। और लास्ट वायर एक रह गया दोस्तों, देख सकते हैं जो पूरा के पूरा ऑरेंज कलर का वायर है दोस्तों। तो यही वायर में जैसे ही हम इग्निशन स्विच को ऑन करते हैं तो इग्निशन स्विच ऑन करने पर डिजिटल मीटर में इसमें यानी कि 12 वोल्ट करेंट आता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों एक वायर के बारे में हम आपको एकदम यार की प्रॉपर जानकारी यानी कि दे दिया है दोस्तों। वीडियो बनाने में बहुत काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, तो दोस्तों ये भाई का सपोर्ट करें। मेरे पास जितना एक्सपीरियंस है, जितना नॉलेज है, वही हम आप लोगों को सामने यानी कि शेयर करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही किसी हेल्पफुल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।